अब तक अमेरिका ही हर मुल्क पर पाबंदी लगाते रहता था, लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया है, यानी शेयर को सवा शेयर मिल गया है। एक तरफ से चीन ने भी पाबंदी लगा दी है, किस पर? अमेरिका पर। और दूसरी तरफ से ईरान ने भी पहली बार अमेरिका पर पाबंदी लगा दी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। इस वीडियो रिपोर्ट में आप सब कुछ जानेंगे जो एक बड़ा कांड हुआ है अमेरिका को लेकर, और खास कर जो शुरुआत में मैंने आपको शॉर्ट में बात बता दी है उस बारे में बात करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि भैया अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया जो छुपाता है आपका भाई वो आपको दिखाता है। दोस्तों हुआ कुछ यूं है, पहले बात करेंगे ईरान की। यमन में ईरान के एम्बेसडर हसन अरलू पर पाबंदी लगा दी थी 8 दिसंबर को अमेरिका ने, ये कहते हुए, ये तर्क देते हुए कि इनके जरिए ईरान मिलिट्री को शामिल किया जा रहा है यमन के लड़ाकू में और यमन की फोर्स में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेतुकी सी बात कह के उस पर, यानी ईरान के एम्बेसडर पर पाबंदी लगाई। ये कितनी तारीख को? हाँ 8 दिसंबर को। फिर इसके बाद यानी अगले ही दिन 9 दिसंबर को एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान ने भी यमन में मौजूद अमेरिका के एम्बेसडर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और पूरी तरह से चर्चा करके और पूरी दुनिया को ये बताते हुए कि ये जो भाई साहब अमेरिका के एम्बेसडर वहां यमन में मौजूद थे क्रिस्टोफर हर्जन, ये जो हैं सऊदी अरब और यूएई को लेकर और अमेरिका को लेकर गठजोड़ बनाए हुए थे और हथियारों से पैसों से उल्टा सऊदी की और यूएई की मदद कर रहे थे ताकि वो यमन पे ही अटैक कर सके और वहाँ के हालात ख़राब रहें। मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार ये अमरीकी एम्बेसडर कर रहा था, जिसके सबूत भी ईरान के पास हैं, जिसके बिना पर एक बड़ी कार्रवाई उल्टा अमेरिका पर ही कर दी है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि उस पर किसी ने उसके ही स्टाइल में ज़ोरदार तमाचा मार दिया है। इधर भैया चीन ने भी बहुत ज़ोरदार झटका एक कदम ईरान से बढ़कर अमेरिका को लगाया है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों को बैन किया और आप सभी को पता है कि अमेरिका और चीन के हालात बिगड़े हुए हैं और वो ज़बरदस्ती इन पर पाबंदी यानी चीन पर पाबंदी लगाता जा रहा है। अब चीन ने क्या किया? चीन ने अमेरिका के एम्बेसडर्स हैं वो जब चीन में विजिट करते हैं या कोई ऑफिशियल आते हैं वहाँ से, डेलीगेशंस वहाँ से आते हैं तो उनको वीज़ा पर छूट मिलती है, उस वीज़ा छूट को ख़त्म कर दिया गया है। साथ में व्हाइट हाउस समेत अमेरिका का कोई भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति या का यानी वहाँ का अमेरिका का कोई भी पॉलिटिशियन जब भी चीन आएगा उस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और उसको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए चीन ने ज़ोरदार थप्पड़ ये अमेरिका के मुंह पे मारा है और चेतावनी भी दी है कि अब अमेरिका को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। बेहतरीन बात यह है कि भैया इस मैटर पर आज के टाइम पर ईरान, चीन, तुर्की और रूस एक साथ मिल गए हैं और अमेरिका के खिलाफ गठजोड़ बना लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत अमेरिका के लिए खड़ी हो चुकी है। दोस्तों थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं, यमन के जो प्रेसिडेंट हैं मंसूर हादी, इनको अमेरिका और सऊदी अरब का समर्थन है, इज़राइल का भी समर्थन है। ये इन्हीं के समर्थन से, इन्हीं के सपोर्ट से, यानी सऊदी अरब के बड़े सपोर्ट से यमन के प्रेसिडेंट 2011 में बन गए। जब से लेकर अब तक ये वहीं के प्रेसिडेंट हैं और पूरी जनता इनके खिलाफ है, खासकर जो वहाँ के लड़ाकू हैं हाउती, वो पूरी तरह से इनके खिलाफ हैं और हाउती को सपोर्ट करता है ईरान और हसन नसरुल्लाह भी इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती वहाँ का प्रेसिडेंट
उस सीट पर जमा हुआ है और उसको जमा के रखा है सऊदी ने, अमेरिका ने, इसराइल ने, ताकि अपने मन मुताबिक वो यमन पर कार्रवाई करते रहें। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको दुनिया की बड़ी बड़ी अपडेट कम से कम समय में आपको मिलती रहे। खासकर सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि ऐसी खबरें गोदी मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। जय हिंद।